सीकर में दो गाड़ियों में भीषण भिड़ंत, 6 की मौत। बेकाबू कार डिवाइडर की दूसरी तरफ जाकर बोलेरो से भिड़ी। लक्ष्मणगढ़ से निकल रहे जयपुर बीकानेर हाईवे की घटना। हादसे में घायल 5 जनों को किया गया रेफर। सीकर में हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं हादसे में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा इतना दर्दनाक था कि दोनों कार पूरी चकनाचूर हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद में शवों को बाहर निकाला। हादसा सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ से निकल रहे जयपुर बीकानेर NH 52 हाईवे पर रविवार शाम करीब 4:50 हुई। इस हादसे के बाद शव गाड़ियों में बुरी तरह फंस गए थे, जिन्हें बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। पुलिस को घटना में क्षतिग्रस्त बोलेरो गाड़ी में एक आईडी मिली है। इसमें खाचरियावास इलाके का एड्रेस होना बताया जा रहा है। वहीं गाड़ी के नंबर भी सीकर के ही रजिस्टर्ड है। हादसे के बाद लक्ष्मणगढ़ डिप्टी धर्माराम मौके पर पहुंचे। बोलेरो गाड़ी लक्ष्मणगढ़ से सीकर की तरफ आ रही थी, जबकि दूसरी अर्टिगा गाड़ी सीकर से लक्ष्मणगढ़ की तरफ जा रही थी। बताया जा रहा है कि अर्टिगा कार डिवाइडर पार करते हुए सड़क के दूसरी तरफ आ गई, ऐसे में वह बोलेरो से भिड़ंत हो गई और यह हादसा हुआ। फिलहाल अभी तक कारणों का पता नहीं चल सका है। गाड़ी डिवाइडर पर कार दूसरी तरफ कैसे आई, इधर पुलिस मृतकों की गाड़ी डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ कैसे आई, इधर पुलिस मृतकों की जानकारी जुटा रही है। शवों को लक्ष्मणगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल में मॉर्चुरी में रखवाए गए हैं, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। लक्ष्मणगढ़ डिप्टी धर्माराम ने बताया कि अर्डिगा कार से एक व्यक्ति का आई कार्ड मिला है, जो मौलासर गाँव का है। बाकी 5 घायलों की हालत को देखते हुए उन्हें लक्ष्मणगढ़ से सीफर रेफर किया गया है। अर्डिगा गाड़ी में एक आईडी कार्ड मौलासर गाँव का मिला है। लक्ष्मणगढ़ डिप्टी धर्माराम ने बताया कि घटना में 6 लोगों की मौत हुई है, वहीं 5 घायलों को रेफर किया गया है। यह खबर शुरुआती जानकारी के अनुसार, जिसमें अंतिम समय तक फेरबदल संभव है। अभी कुछ देर पहले सूचना मिली थी, लक्ष्मणगढ़ कस्बे से निकलते ही सिक्कर रोड पर हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक बोलेरो गाड़ी और अर्टिका की टक्कर हुई है, और जिसमें अभी तक 6 कैजुअल्टी हो गई है और 5 लोग हैं जिनको रेफर किया गया। गाड़ी एक बोलेरो है जो RJ 23 नंबर की है, पूरे आइडेंटिफाई नहीं हो पाए अभी, और एक अर्टिका गाड़ी है जिसके नंबर अभी आइडेंटिफाई नहीं। पहचान प्रयास कर रहे हैं, एक आईडी कार्ड मिला है जो सिक्कर का ही है और एक मौलासर नागौर का बता रहे हैं।